हाय फ्रेंड अनिता क्रिएशन में आपका स्वागत है आज हम लोग आलू चीजी टिक्की बनाएंगे टिक्की बनाने के लिए एक बॉल ले लेंगे बॉल में आलू डालेंगे उबला हुआ आलू बारिक किया हुआ बारिक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे तीन चार पीस हरी मिर्च चॉप किया हुआ डालेंगे धनिया पत्ता बारीक चॉप किया हुआ चीज अरारोट पाउडर तीन चम्मच नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच के लगभग जीरा पाउडर रोस्ट किया हुआ जीरा है मिर्च पाउडर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरीके से गोल नहीं बनाकर अंडाकार बनाएंगे इसी तरह से सभी को बना लेंगे आप कोई भी शेप दे सकते हैं वो आप पे डिपेंड है इसी तरह से सभी को बना लेंगे मैदा और अररोट पाउडर का घोल बनाएंगे घोल बनाने के लिए कटोरी ले लेंगे दो चम्मच मैदा ले लेंगे दो चम्मच अररोट पाउडर थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लेंगे इस तरीके से घोल बना लेंगे घोल ना ज़्यादा पतला रहेगा और ना ज़्यादा गहरा रहेगा देखिए चम्मच पे लग जाए ब्रेड क्रम ले लेंगे ये ब्रेड क्रम है और ये घोल है आलू और चीजी का जो गोला बनाए थे उसको घोल में डीप करेंगे देखिए इस तरीके से उसके बाद ब्रेड क्रम में इसको डालेंगे और ब्रेड क्रम इस तरीके से लगाएंगे हल्का प्रेस कर करके लगाएंगे ताकि अच्छे से ब्रेड क्रम लग जाए चारों तरफ फ्राई करने के लिए डाल देंगे एक एक कर फिर दूसरा भी कोट करेंगे तीसरा भी कोट करेंगे इस तरीके से इस तरीके से डालकर सबको फ्राई कर लेंगे एक साइड हो गया अब दूसरा साइड पलट लेंगे केक कर इस हाँ दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके हो गया उसको निकाल लेंगे फ्राई हो चुका है तरह एक एक कर निकाल लेंगे फ्राई हो चुका है निकाल लिए हैं आलू चीज टिक्की बनकर तैयार है देखिए कितना अच्छा बना है अब इसको हम लोग सर्व कर सकते हैं धनिया के पत्ता से गार्निश कर देंगे आलू चीज़ टिक्की कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा थैंक यू